students, this is me, Ms. Mahalur. Today is our lecture number 2 and the date is 3rd December 2020. Today we will start lecture number 2 start karenge jike ka. Aap logo ko yaad hoga kal maine aap logo ko lecture 1 diya tha general knowledge mein aur aaj main aap logo ko lecture 2 dungi. So first of all take out your general knowledge book jo ki aap sabke paas ye wali hogi. आप सबने ये वाली बुक निकालनी है ठीक है. इसके बाद आप लोगों ने पेज नंबर 7 ओपन करना है. कौन सा पेज? पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 पे हमारे पास टॉपिक है वाइल्ड एनिमल्स ठीक है. ये हमारे पास पेज नंबर 7 है. हमारे पास टॉपिक है वाइल्ड एनिमल्स. अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस बारे में जिस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ रहे हैं उसकी नोहा होनी चाहिए. वो बेसिकली होता क्या है. अब जैसे मैंने आप लोगों को कल अवर फूड का करवाया था और आज मैं आप लोगों को वाइल्ड एनिमल्स करवा रही हूँ. मैं आप लोगों को बताने से पहले कि वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से, मैं आपको ये बताऊंगी कि वाइल्ड एनिमल्स होते क्या. बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स हमारे पास जंगली जानवर कहलाते हैं जो कि जंगल में होते हैं ठीक है. जो जंगल में पाए जाने वाले जानवर हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं. अब इनमें यहाँ पर आप लोगों के पास 8 वाइल्ड एनिमल्स गिवन है ठीक है. मैं आपके बुक में इनमें पिक्चर्स बनी हुई, आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा. लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम मेंशन किए हैं आपको समझाने के लिए. तो वाइल्ड एनिमल्स आई होप आप सबको समझ आया होगा कि वाइल्ड एनिमल्स होते क्या हैं, जो जंगल में रहते हैं ठीक है. जो जंगल में पाए जाते हैं वो सब वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. वाइल्ड एनिमल्स को हम अपने घरों में नहीं पाल सकते. जैसे हम अपने घरों में बिल्ली पालते हैं, खरगोश पालते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं, इसी तरह हम लोग वो जानवर अपने घर में नहीं रख सकते. तो ये हमारे पास होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो कि सिर्फ जंगल में हमें पाए जाते हैं. सबसे फर्स्ट है डायनासोर्स. डायनासोर्स किसे कहते हैं? गेंडे को. किसे कहते हैं? गेंडे को. ये भी एक ऊपर जानवर है जो गोश्त खाता है ठीक है. ये हमारे पास जंगल में होता है. अब आते हैं हम फॉक्स पे. फॉक्स किसे कहते हैं? लोमड़ी को. FOX फॉक्स. फॉक्स किसे कहते हैं हम? लोमड़ी को. लोमड़ी भी हमारे पास कहाँ? बहुत जंगल में पाए जाते हैं. लोमड़ी बहुत चलाक होती है, बहुत शातिर होती है ठीक है. अब हम आते हैं नंबर 3rd पे डियर. DEER डियर. डियर किसे कहते हैं? हिरन को. अच्छा हिरन हमारे पास गोश्त नहीं खाती. हिरन हमारे पास बहुत फ्रेंडली सी होती है और बहुत अच्छी होती है. लेकिन ये भी सिर्फ जंगल में पाई जाती है इसलिए हम इसे वाइल्ड एनिमल में इंक्लूड करते हैं. अब हम आते हैं एलिफेंट पे. PHANG एलिफेंट ठीक है. एलिफेंट किसे कहते हैं? हाथी को. आप सबने एलिफेंट तो देखा होगा ठीक है. एलिफेंट में बैठे भी होंगे, उस पर आप लोगों ने सवारी भी की होगी. एलिफेंट हमारे पास बहुत फ्रेंडली होता है. एलिफेंट हम कहते हैं ना हाथी हमारा साथी, तो वही वाली बात है कि एलिफेंट हम सबसे बहुत एलिफेंट बहुत अच्छा होता है. हम उस पर बैठते हैं, उस पर हम सवारी करते हैं. एलिफेंट भी गोश्त नहीं खाता. एलिफेंट भी सिर्फ फ्रूट्स भी खा लेगा, कुछ भी खा लेगा ठीक है. ये हमारे पास जंगल में होता है, ये हमारे पास वाइल्ड एनिमल है, बहुत बिग एनिमल है, इसलिए हम इसे वाइल्ड एनिमल ही लेते हैं. अब हम आते हैं लायन पे ठीक है. लायन LIONलायन. लायन किसे कहते हैं? शेर को. आप सबको पता है जंगल का बादशाह शेर कहलाता है. शेर की तरह से जंगल का बादशाह कहलाता है. तो और ये क्या है, जंगल में रहने वाले हैं जितने जानवर हैं सब उनका शिकार कर सकते हैं. ये उनका गोश्त खाते हैं, उनको शिकार करता है. ये जो है वो जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी शिकार कर सकता है, इंसान को भी पूरा का पूरा खा सकता है. तो ये हमारे पास बहुत खतरनाक जानवर है ठीक है. और इसीलिए इसे शायद जंगल का बादशाह भी कहते हैं. अब हम आते हैं बियर पे. बियर किसे कहते हैं? भालू ठीक है. BEAR बियर. बियर किसे कहते हैं? भालू को. भालू भी हमारे पास एक जंगली जानवर है इसलिए वो भी वाइल्ड एनिमल्स में इंक्लूड होता है. आपके पास इन सब की पिक्चर्स बुक में गिवन है. जब आप वो पिक्चर्स देखेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगा कि ये कौन कौन से जानवर हैं, क्योंकि बुक में क्लियर पिक्चर्स आप लोगों को गिवन है. अब आ जाओ चीता. चीता भी जो है वो शेर की एक टाइप है, लेकिन चीता शेर से थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा जिसकी बॉडी पे लाइंस होती हैं वो हमारे पास चीता कहलाता है. ये भी जो है शिकार करता है, दूसरे जानवरों का गोश्त खाता है और ये भी बहुत गोश्तखोर होता है, बहुत खूंखार होता है. अब हम आते हैं जेब्रा. ZEBRA जेब्रा. जेब्रा क्या होता है आप लोगों ने सबने देखा होगा. आप लोग जू गए होंगे, जू में तो सारे एनिमल्स हमारे पास मौजूद हैं. जब आप जू गए होंगे तो आपने वहाँ जेब्रा भी देखा होगा जो ब्लैक एंड वाइट होता है, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स पड़ी हुई होती हैं. वो भी इतना हमारे पास खतरनाक नहीं होता, लेकिन वो पाया हमारे पास जंगल में जाता है तो इसलिए वो भी हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स में.
पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आज आप लोगों की तमाम वीडियोस कंप्लीट हुई हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपनी वर्किंग और जितने लेक्चर हम आपको दे चुके हैं उसे आसानी से, उसे बहुत अच्छे से याद करें, उसे बहुत प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। और हम 5 दिसंबर को आज आपके पास है थर्ड, और 5 दिसंबर को आप हमारे पास कॉपीज चेकिंग के लिए लाइएगा ताकि हम आप लोगों की वर्किंग चेक करें, किस बच्चे ने कैसा काम किया, उसकी प्रोग्रेस देखें। 5 दिसंबर को आप लोगों की कॉपीज चेकिंग की डेट है, तो आप सब 5 दिसंबर को हमारे पास कॉपीज लाएंगे। और इसके बाद आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सब अभी से उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कंडक्ट किए जाएंगे और सबके जहन में सवाल होगा कि पेपर्स होंगे कैसे। तो मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि पेपर्स किस तरह से होंगे। इस बार होंगे तो प्रोटेक्टेड पेपर्स होंगे हमारे पास, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेपर्स होंगे, जो जिसका पासवर्ड आप लोगों को मिलेगा, और वो पासवर्ड आप लोगों को मिलेगा एडमिन से। तो लिहाजा आप लोग एडमिन आके अपना वो पासवर्ड रिसीव कर लीजिए, और जिनकी गूगल आईडी नहीं बनी हुई वो लिहाजा अपनी गूगल आईडी बनाएं। इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होती है। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।